अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? हम सब यहाँ आइसक्रीम खाएंगे ना। एक आइसक्रीम वाले अंकल मुझे गाड़ी में बिठा के आइसक्रीम खिलाने आया, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने आए हैं? नहीं, वो तो हमारी आइसक्रीम बना देगा वो आइसक्रीम मैन, हमें आइसक्रीम में डाल के दूसरे लोगों को खिला देगा मोटे। एक समझदार लड़की ने उन लोगों को बताया कि देखो मैं यहाँ 3 हफ्ते से हूँ और मैंने नोट किया है कि एक मोटा जिसका नाम मिस्टर मीट है, वो जो ज़्यादा बच्चा रोता है ना उसको ले जाता है। तो प्लीज़ तुम लोग रोना बंद करो और हम लोग यहाँ कोई आइसक्रीम खाने नहीं आए, हमें यहाँ से भागना होगा। कोई भागने का प्रोग्राम बनाओ वरना हम लोग सब मारे जाएंगे। देखो मुझे लग रहा है वो आ रहा है, खामोश हो जाओ खामोश। मिस्टर मीट आ गया और वो बोला, मुझे कौन मिस कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन शोर मचा रहा है? तुम लोग भागने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे कोई? आज मैं किसको खाऊंगा? अब ये फैसला करना है, तैयार हो जाओ। कौन रो रहा है? क्या तुम रो रहे हो? हाँ बच्चे कैसे हो? उस बच्चे ने बोला, मिस्टर मीट प्लीज़ मेरी बात सुने, देखें आप मेरी मम्मी पापा को फ़ोन करें, उनके पास बहुत पैसा है, वो आप जितना पैसा मांगेंगे ना वो आपको सारे पैसे दे देंगे, प्लीज़ आप उन पैसों का कुछ और खा लीजिए, मुझे मत खाइए प्लीज़ प्लीज़ कुछ और खा लीजिए। मिस्टर मीट को गुस्सा आ गया, उसने बोला, चुप करो बड़ा आया अमीर माँ बाप का बच्चा, मैं तेरे को ही खाऊंगा। बच्चे ने भीख मांगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मिस्टर मीट ने पिंजरा खोला और अंदर चला गया। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ डरो मत। और फिर मिस्टर मीट ने उस बच्चे का हशर नशर बिगाड़ दिया। बराबर वाले पिंजरे में जो बच्चा था वो उसकी चीखें सुन करके बेहोश हो गया। सबसे पहले देंगे आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज भी एक बच्चा इस शहर से गायब हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। वो घर से निकला था आइसक्रीम लेने के लिए मगर घर वापस नहीं आया। इस शहर में क्या हो रहा है? रोजाना बच्चे अगवा हो रहे हैं जिनका नामो निशान नहीं मिलता, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी का कुछ नहीं पता। क्या हो रहा है इस शहर में? क्या हो रहा है हमारे शहर में? हर महीने कई सौ बच्चे अगवा हो जाते हैं जिनका कुछ नहीं पता चलता। क्या हमारी पुलिस नाकाम हो चुकी है? अभी हमारे पुलिस चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखिए वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर जी? कब आप उन बदमाशों को पकड़ेंगे जो हमारे शहर के बच्चों को अगवा कर रहा है? जी हाँ, कब पकड़ेंगे? क्या तमाशा लगाए हुए आप लोग, कोई काम नहीं करते, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा। पुलिस ऑफिसर ने सहाफियों को बोला कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा सबर और करें, यकीनन बहुत देर हो चुकी है, हम लोग उनको पकड़ने में नाकाम हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि हमारे पुलिस ऑफिसर जल्द उस बदमाश को पकड़ेंगे जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को अगवा कर रहा है। आप लोग परेशान ना हो, बस थोड़ा सा वक्त मुझे और दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मैथ्यू, आओ देखो यहाँ हर साइज के बच्चे हैं, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, मोटा बच्चा, पतला बच्चा, तुमको कौन सा बच्चा चाहिए ये बताओ मैथ्यू। सोचा या नहीं अभी तक? तुम इन बच्चों का करते क्या हो मिस्टर मीट? हम इन बच्चों की टांगे तोड़ते हैं, हाथ तोड़ते हैं, आंखें निकालते हैं और फिर इनको भिखारी बना देते हैं। मगर तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जो बच्चा चाहिए वो ले जाओ, ज़्यादा सवाल मत पूछो। अगर तुम्हें भीख मंगवाने के लिए बच्चे चाहिए तो हमारे पास बहुत से बच्चे हैं। तुम दिन में कितने बच्चे अगवा करते हो मिस्टर मीट? कि हमारे साथ और कौन कौन है जो बच्चे अगवा करता है? तुम ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम तो पुलिस वाले की तरह सवाल पूछ रहे हो, तुम कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? इधर आओ मैथ्यू। हाँ मैंने सही कहा ना, दे ताली, ताली दे, सही कहा।
तुमने एकदम ठीक पहचाना मिस्टर मीट, मैं अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। अब तुम्हारा खेल ख़त्म मिस्टर मीट, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूँगा। तुम वो जालिम आदमी हो जो बच्चों को अगवा करते हो, इनकी हड्डी पस्ती तोड़ते हो, इनको भिखारी बनाते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम तो इन बच्चों को खा भी जाते हो। वेरी गुड मैथ्यू, वेरी गुड, तुमने सही कहा। मगर अपने पीछे तो देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। अंडरकवर पुलिस ऑफिसर के पीछे ग्रैनी खड़ी हुई थी और उसने फौरन से मैथ्यू को मार डाला। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी, उसने मिस्टर मीट से पूछा, ये कैसे आया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि हमारे तक पहुँचे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए मिस्टर मीट, तुमने इसको यहाँ क्यों घुसाया तुम्हें नहीं पता, अगर ये जगह पता चल गई तो हम सब पकड़े जाएंगे। तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम इसको जानबूझ के यहाँ लेके आए थे? तुम्हें पता था ना ये पुलिस वाला है, तुम जान के इसको लेके आए। बड़े चलाक हो, बड़े चलाक हो। अब ये बताओ, इसको खाएगा कौन, मैं या तुम? इसको 50-50 कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर ने प्राइवेट डिटेक्टिव मैंडी को अपने ऑफिस बुलाया और उसे ये बताया कि वो बहुत परेशान है, उसका एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर मैथ्यू 3 दिन से लापता है। पुलिस ऑफिसर ने मैंडी को कहा, उसे लगता है कि पुलिस फेल हो चुकी है, वो बच्चों को अगवा करने वालों को नहीं पकड़ सकेंगे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, उसे लगता है पुलिस ये केस सॉल्व नहीं कर सकेगी, मगर ये केस तुम सॉल्व कर सकती हो, हाँ यकीनन। एक्सक्यूज़ मी सर जी, आपके लिए गिफ्ट आया है, एक मोटा सा आदमी आया था, कह रहा था सर को मेरी तरफ से ज़रूर से ये गिफ्ट दे देना। पुलिस ऑफिसर ने कहा, गिफ्ट, मेरे लिए गिफ्ट, मुझे कौन गिफ्ट देता है, मुझे तो सिर्फ गालियाँ देते हैं लोग। लाओ इधर लाओ, टेबल पर रखो, पता नहीं क्या आज मेरी बर्थडे है क्या, मुझे तो याद नहीं। पुलिस ऑफिसर बहुत खुश हो गया, उसको लग रहा था कि उसके लिए किसी ने केक भेजा है। उसने बोला, कोई तो है जो उससे मोहब्बत करता है, चलो भाई खोलते हैं। मगर जैसे ही उसने गिफ्ट को खोला तो वो चौंक के रह गया, उस गिफ्ट के अंदर मैथ्यू अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का सर था। पुलिस ऑफिसर चीखा, नहीं ये नहीं हो सकता, किसी जालिम ने मार दिया मेरे मैथ्यू को, मेरे मैथ्यू अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को मार दिया, नहीं नहीं नहीं।